चूतिया पा देखोगे? नहीं, पहले बताओ देखोगे तो देखो ना, घंटा किसी ने रोका है, चल मैं स्टार्ट कर। छोटी उम्र के बच्चे और बड़ी उम्र के बुजुर्ग इसे ना देखें। अरे नींबू बहुत छोटा जी, किसका तोड़ ला नींबू? तो फिर चलो देखो, इसको दबाएंगे तो पट के हाथ में आएगा जी। तो कट लो। संतरा क्या साइज है जी, क्या मस्त है, इतना लाल लगता है किसी ने पहले से मसल के मचका दिया है जी। कुछ और लाओ ना। निकल ले पपैया, पपैया। अय्या बढ़िया है जी, पर चिकना नहीं है जी, हाथ लगाएंगे तो मजा नहीं आता जी, ज्यादा फैला हुआ है। आय भूतनी का कितना बड़ा लगा बुर्बक। बिग लॉल नहीं, बिग लैंड है ये। लीजिए मजा जी भर के। हमारे बिग लैंड के गरम गरम तवे पे आप अपनी गोल गोल आके सेक सकते हैं। देखा भूतनी वालो, हमारे बिग लैंड के तवे पर कैसी जल के लाल हो जाती है। जिस पर लगाया जाएगा जम के तेल। और होगी उसके पिछवाड़े की मालिश, मालिश। फिर एक ही आवाज आएगी। कौन सी कौन सी कौन सी? पेल पेल पेल। आय हाय, अतरी तू भी क्या माल है, पूरी की पूरी लाल है। ओए ये क्या कर रहा है, मैं कॉर्न स्टार हूँ, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो ये ले चख मेरा चुम्बन फनी स्टाइल में। ये बन्नी सिंह, ये है बन्नी सिंह, यानी बड़ी गंद फैलाई है, निकलो यहाँ से, अब हम फैलाएंगे। तो देखा आपने, बिग लैंड पे होगा हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत। ओके, यानी कि फको सेशन का सेशन भी होगा। आई लाइक इट, आई लाइक इट। अपने संतरे और समोसे संभाल के रखना हमारी नजरों से, हम खाने जो आ रहे हैं। संतरे और समोसे देखकर बाथरूम में जो रोज जाकर हिलाते हैं ना, उनका साइज और हाल ऐसा हो जाता है, और जो नहीं हिलाते उनका ऐसा हो जाता है। हम बिग लैंड वालों का सबका ऐसा ही है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले खेलेंगे फिर पीलेंगे दबा दबा के। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ हो गया, तो पब्लिक यही तो देखना चाहती है। क्या तरबूज? नहीं नहीं केला। बस बस बस, बंद करो ये सब, बहुत हो गया चूतियापा, हो गई गांड मस्ती जितनी होनी थी, अब कुछ अच्छा भी कर लो। चलो लाइट्स कैमरा एक्शन। हमारे बिग लैंड पे हार्दिक स्वागत है। और हाँ, इंसानियत जिंदा रखो अपने अंदर रेप करने वालों, और ये रेप करना बंद करो सुअर की औलादों। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन बहू बेटी नहीं है क्या? आखिर लड़कियों को तुम समझते क्या हो? क्या किसी लड़की की आबरू की कोई कीमत नहीं है यहाँ पे? ये साला हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, जहां देखो जब देखो रेप रेप रेप। ये हिंदुस्तान है कि रेपिस्तान? मैं पूछता हूं जनता से, क्या आपको मालूम है यहां इतने रेप क्यों हो रहे हैं? जाना चाहते हैं आप? निकालो भैया अपना अपना, दे दो हाथ में। क्योंकि तो रात जो ये हैवान बने फिरते हैं ना रोडों पे, दो चार दस के ग्रुप में, साले आधे से ज्यादा तो क्रिमिनल माइंड होते हैं, या किसी ना किसी का बाप या रिश्तेदार कोई पहुंच वाला होता है, तभी तो सालों को ये हैवानियत भरा काम करने का हौसला मिलता है। इसीलिए जहां अकेली लड़की मिली उसे उठा लेते हैं, उसकी आबरू लूट लेते हैं, कभी कभार तो उसे मार भी डालते हैं, और अगर लड़की बेचारी बचते बचाते किसी तरह थाने पहुंचती है तो उसके वहां पहुंचने से पहले इन हैवानों की पहुंच वहां पहुंच चुकी होती। बस हो गई हमारी पुलिस कमजोर, और इसमें पुलिस भी लड़की और लड़की के घर वालों को ही दबा के रखती है, जैसे तैसे उनका मुंह चुप करा के मामला रफा दफा कराने की कोशिश में लगी रहती है, जब तक कि कोई इसमें मीडिया इन्वॉल्व ना हो जाए
या फिर कोई सच्चा ईमानदार पुलिस ऑफिसर। लेकिन इतना होने के बाद भी ये धारा इन हैवानों पर कमजोर लगी। ऊपर से प्रेशर रहता है तो जमानत का रास्ता भी खुल जाता है, ताकि हैवान फिर से खुले सांड की तरह सड़कों पर उतर आए। छूट रहा है ना दामिनी का अपराधी, दिसंबर में रह गए सब अपना हिलाते हिलाते, अब वो अपना फिर लाएगा बाहर आके। तो इसी बात पे बजाओ ताली। थू ऐसे लोगों पे और उनकी ऐसी औलादों पे जिन्होंने ऐसे जानवर पैदा करके छोड़ दिए सड़कों पे। सोचो जिनकी औलादें ऐसी है तो वो खुद कैसे होंगे। जहाँ अकेली लड़की देखी उठा ली, आंसू बच्चों को भी नहीं छोड़ती, सालों के आग लगी रहती है। इन्हें तो गधे और घोड़े के लोल से फैलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनके औजारों में 440 वाट का करंट रह रहकर छोड़ना चाहिए, जिससे इनके औजार ही बेरोजगार हो जाए। ऐसी कुछ सजाएं हो ना हमारे यहाँ, तो हैवान कुछ करने से पहले 100 बार सोचे। एक तरफ बात करते औरतों की सुरक्षा की, दूसरी तरफ इस देश में लोग अपनी बहन बेटी और बहू की लुटती इज्जत तक नहीं बचा पाते। ये है मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, जय हिंद। क्या लड़कियां इंसान नहीं होती, उन्हें दर्द नहीं होता? क्या आंसू नहीं बहते? क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती? क्या उनके जज्बात नहीं होते? क्या उनको दुख नहीं होता? क्या उनके सीने में दिल नहीं धड़कता? ये चोटी पहुंचती क्यों? लड़कियों को सुरक्षा के साथ रहने का अधिकार नहीं है यहाँ पे? Hey guys, like this video, share this video, comment below, subscribe to our channel, Big Bang.